दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे पैरासाइट की जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगा, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर अब शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के शिंची को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने ईयरफोन लगा रखे थे इसीलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी शिंची उसे देख कर उसे दूर फेंक देता है। शिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काट कर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी शिंची घबरा कर एक केबल से अपने हाथ को बांध कर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी शिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती हैं। शिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं कि ये लड़का मजाक कर रहा है। वो शिंची के पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती हैं और फिर देखती हैं तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि शिंची अभी से ही सटिया गया है। शिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो शिंची सुन रहा था। फिर उसकी मॉम शिंची से कहती है कि इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तेरे को ऐसे वहम होने लगे हैं। अब ये कहकर उसकी मॉम यहाँ से चली जाती हैं। शिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह शिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था उस हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है, यानी कि उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे एक क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातोमी को गलत जगह छू देता है और सातोमी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जब शिंची उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची बॉल को काफी दूर से उसी हाथ से रिंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। शिंची उसे देखकर चौंक जाता है लेकिन वो आंख वापस अंदर चली जाती है। शिंची अब अपना हाथ काटकर आंख निकालकर देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। शिंची कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर शिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो शिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है। वो क्रिएचर शिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। और तो और उसने इस आदमी की वाइफ को खा लिया होता है। अब अगले दिन सुबह शिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। शिंची उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा, कि मैं तेरे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि शिंची कभी भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट शिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि शिंची ने उसे हाथ में ही रोक दिया तो इसके बाद वो शिंची के हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे मिगी बुलाओ। मिगी शिंची के जरिए स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और मिगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में शिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमी यहाँ आती है और उसे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसके बाद सातोमी शिंची की पेंटिंग देखती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब स्कूल के बाद शिंची रात में जब बाथ ले रहा होता है तो तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। मिगी शिंची की पूरी बॉडी को देखने लगता है। यहाँ मिगी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिगी शिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मारकर खा रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन शिंची बस से कहीं जा रहा था
तभी मिगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। मिगी सिंची को यहीं उतरवा कर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी सिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी सिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। सिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी सिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काट कर मिगी से कहता है कि तुम सिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मिगी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी सिंची की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है, और क्योंकि मिगी ने सिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसीलिए सिंची उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। अब तभी यहाँ कोई आने लगता है। सिंची पीछे के दरवाजे से जहाँ से वो आया था वहीं से भाग जाता है। सिंची अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। यहीं अब इस शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। सिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मारकर ना खाएं। लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। यहाँ मिगी सिंची से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब तक सिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा और सिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसीलिए मिगी को इंसानों को मारने की जरूरत नहीं थी। और मिगी सिंची को धमकी भी देता है कि अगर तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सिंची उसे कहता है कि तू एक डेमन है, वो ये कहकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे उसी पैरासाइट की डेड बॉडी मिलती है जिसे सिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तामिया रियोको को इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिगी और सिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। यहीं तामिया भी अपने पैरासाइट सेंस की मदद से ये समझ जाती है कि सिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सिंची तामिया के पास जाता है। तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरो मत, ये तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है ताकि वो ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ सिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वो कहती है कि मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। वो सिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और कहीं उसे ऐसा ना लगे कि तुम नई टीचर को देखकर उसे भूलकर नई टीचर पर फिदा हो गए हो। इसीलिए तामिया सिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। अब तभी सातोमी जो कि इन्हें देख रही थी वो यहाँ से चली जाती है। तामिया सिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो सिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सिंची बाद में तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहाँ पर दो और पैरासाइट को भी बुलाया होता है जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सिंची और मिगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसीलिए हमने मिलकर पैरासाइट्स का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुपकर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मारकर खा सकें। तामिया सिंची से भी इनके नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है लेकिन सिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसीलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिगी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है। तामिया इनसे कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट्स के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तामिया सिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंची काफी डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके सिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। मिगी सिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता। अब इसके बाद हमें घर को देखते हैं जहाँ काफी शांति थी और यही मिस्टर ए और शिमाडा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं।
तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को खाने के बजाय इंसानों जैसी रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है कि अब घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम ये नहीं जानती थी, इसीलिए वो सिंची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है, और मिस्टर ए को ये पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मारा था उसे सिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा था। इसीलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी सिंची को बचा लेता है। मिगी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ काफी तगड़ी फाइट चल रही थी, तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। और क्योंकि ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसीलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। सिंची तुरंत यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहीं वो पैरासाइट अपनी बॉडी से रोड आर पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और वो पैरासाइट जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे सर्वाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सिंची की मॉम गुजरती है, और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची की मॉम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो सिंची को छुपने के लिए कहता है। सिंची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आती है। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है, लेकिन सिंची के लिए ये विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट डायरेक्ट सिंची के हार्ट पर हमला करता है और उसके हार्ट को जख्मी कर देता है। सिंची वहीं गिर जाता है। सिंची की बॉडी में अब एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट यहाँ से कहीं और चला जाता है। यहीं सिंची अब मर रहा होता है, लेकिन मिगी सिंची को बचाने के लिए उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। मिगी सिंची के हाथ में दोबारा से वापस आ जाता है और सिंची जाग जाता है। सिंची अब बिल्कुल ठीक हो गया होता है। फिर मिगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से को वहां छोड़ दिया, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर यहाँ सिंची दोबारा से जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ सिंची खूब रोता है। फिर अगले दिन सिंची तामिया के पास जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन सिंची का बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वो सातोमी से बात नहीं करता और भागता हुआ डायरेक्ट तामिया के पास आ जाता है। वो तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन तामिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया। यहाँ तामिया सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी वो बनकर दिखा रही थी। मिगी तामिया को बताता है कि मिस्टर ए ने उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को छोड़कर सिंची की मॉम की बॉडी को ले लिया है। सिंची कहता है कि मिस्टर ए तुमसे जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। लेकिन तामिया साफ साफ सिंची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। सिंची उसे डराने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन तामिया इन दोनों को ही डराकर यहाँ से जाने लगती है। तभी सिंची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पकड़कर वापस सिंची की तरफ ही फेंक देती है। वो जानबूझकर सिंची को नहीं मारती। फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं उन ऑफिसर्स को मिस्टर ए यानी कि उसी पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ इन्हें जांच से पता चल जाता है कि इस पुलिस ऑफिसर और उस शॉप के मालिक दोनों को मारने वाला कोई एक ही इंसान है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे, क्योंकि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था, और जांच में इन लोगों को ये बात पता चल गई थी। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो अफवाहें सुनी है कहीं वो सच तो नहीं। दरअसल इस शहर में ये बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इनके बीच छुपकर रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये सब बस अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। अब तभी मिगी और सिंची को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है, और उसके अलावा भी यहां पर कई सारे पैरासाइट मौजूद हैं। मिगी ये सब देखकर चौंक जाता है। वो सिंची से कहता है कि पैरासाइट ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पॉलिटिक्स में भी घुस चुके हैं। मिगी काफी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। उन्हें सिंची पर शक होता है, इसलिए वो सिंची से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन सिंची काफी चालाकी से इनसे झूठ बोलता है। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब काफी दिनों बाद सिंची फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे सातोमी मिलती है। फिर यहाँ वही लड़का शिमाडा आता है। तामिया ने इसका इसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वो सिंची पर नजर रख सके। शिमाडा सातोमी के सामने सिंची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ तामिया इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहाँ शिमाडा और तामिया को ये पता चल रहा था कि जब से मिगी ने अपनी सेल्स की मदद से सिंची की जान बचाई है, तब से सिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिगी को भी ये सब पता चल जाता है। वो सिंची को ये सब बताता है।
अब इसके बाद मिगी सिंची को ये बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मिगी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा होऊंगा तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिगी तुरंत सो जाता है। सिंची उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन अब मिगी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर्स ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट्स को कैसे पहचाने। उन्हें ये पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वो बाल कर्ली हो जाएगा। अब ये जानकर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है लेकिन वो कर्ली नहीं होता, जिसे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। अब वहीं तामिया भी अपने नेटवर्क की मदद से ये जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का एक तरीका पता चल चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से सिंची को देखते हैं जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है क्योंकि सिंची अब अकेला था। सिंची मान जाता है। फिर वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक पपी मिलता है जो कि बीच रोड पर पड़ा था। सिंची उसे उठाकर लाता है लेकिन वो मर चुका था, इसलिए सिंची उसे डस्टबिन में डाल देता है। सातोमी ये देखकर उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सिंची कहता है कि अब ये सिर्फ हड्डियां और शरीर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल अब सिंची के अंदर बदलाव हो रहा था और वो भी पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। और सिंची की ये सोच देखकर सातोमी उसे छोड़कर चली जाती है लेकिन सिंची को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी और अब प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर उसे जॉब से निकालने वाला था। वो लोग तामिया के मॉम डैड को भी ये सब बता देते हैं। फिर तामिया अपने मॉम डैड के पास जाती है लेकिन ये तामिया तो वैसे भी पैरासाइट थी, इसलिए वो इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वो शिमाडा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों बॉडीज ले जाओ। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए स्कूल से अपना सामान पैक करने लगती है। सिंची उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है जहाँ कई सारी लड़कियां मिलकर शिमाडा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वो बाल कर्ली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमाडा एक पैरासाइट है। शिमाडा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसीलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां डरकर चीखती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर सिंची उन्हें बचाने आने लगता है। तामिया भी समझ जाती है कि शिमाडा अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने आ गया है, इसीलिए अब तामिया यहाँ कुछ केमिकल लोचा करने लगती है। वहीं सातोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमाडा के सेंटर में एक केमिकल फेंकती है जिससे वो जलने लगता है, मगर इससे वो बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। सिंची जब तक यहाँ पहुँचता है तो कई सारी लड़कियां मर चुकी थीं। सिंची काफी घबरा जाता है। मिगी उसे शांत कराता है और इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। सिंची दोबारा उठकर सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमाडा से बचकर भाग रही थी। शिमाडा बिल्कुल एक जापानीज डेमोगोर्गन लग रहा था। सिंची आकर इस जापानीज डेमोगोर्गन को एक धक्का देता है और उससे फाइट करने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो शिमाडा को शांत होने के लिए कहती है। शिमाडा शांत हो जाता है लेकिन फिर तामिया यहाँ एक बॉम्ब फेंक कर चली जाती है। सिंची उसे देखकर सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर यहाँ एक धमाका होता है। इन्हें लगता है कि शिमाडा टपक लिया लेकिन वो जिंदा था। अब यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर्स ऊपर आ जाते हैं। तभी शिमाडा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिमाडा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मिगी सिंची को ये बताता है और सिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रोड लेकर मिगी को एक धनुष बनाता है और फिर उस लोहे की रोड को एक तीर की तरह शिमाडा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमाडा वहीं मर जाता है। इसके बाद सिंची यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तामिया सिंची को मिस्टर ए यानी कि उसकी मॉम का एड्रेस देती है। सिंची उस एड्रेस को ले लेता है। अब कुछ समय बाद यहाँ वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों ये पता लगा रहे होते हैं कि शिमाडा कैसे मरा तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था, लेकिन इन्हें सिंची के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं होता। वहीं सिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे उसकी मॉम मिलती हैं। सिंची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी यहाँ मिगी को नींद आने लगती है। वो सिंची को ये बताता है और इस वक्त मिगी सिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद मिगी सो जाता है। अब तभी सिंची उसी हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी कि अपनी ही मॉम से फाइट करता है। यहाँ सिंची अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वो मिस्टर ए को मारने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है और उसकी मॉम की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस अब भी जिंदा होती है। अब तभी मिस्टर ए सिंची पर हमला करता है लेकिन उसकी मॉम की कॉन्शियसनेस की मदद से उसकी मॉम अपने हाथ से सिंची को बचा लेती हैं। मगर फिर सिंची को ना चाहते हुए भी मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी ही मॉम को जान से मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मिगी जब जाग जाता है तो सिंची मिगी को ये सब बताता है। अब इसके बाद हम उसी पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत लिया होता है।
इससे वो पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्हीं दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का चीफ इनसे पैरासाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों को ये पता चल चुका है कि पैरासाइट्स इनके बीच छुपकर रह रहे हैं और इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम गोटू होता है और अब वो तामिया को बताता है कि वो सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा। लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वो अब सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई सिंची पर नजर रख रहा है। वो सिंची और मैगी की एक साथ फोटो लेता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।